तो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेट। तो नेक्स्ट आपका आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ध्यान दें, कार्बोक्सिलिक एसिड में हम एल्केन एल्केन में जोड़ेंगे ओइक एसिड, ई ड्रॉप हो जाएगा, ये बन जाएंगे एल्केनोइक एसिड। सबसे फर्स्ट और सबसे सिंपल CH3COOH, वैसे तो इसका कॉमन नेम है एसिटिक एसिड, बट IUPAC नेम में कितने कार्बन है, टू कार्बन, टू कार्बन के लिए इथेन, इथेन में क्या ऐड करेंगे ओइक, ई को ड्रॉप कर देंगे, क्या बन जाएगा इथेनोइक एसिड। एक चीज ध्यान रखना, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो टेबल में सीनियर था तो ये हमेशा फंक्शनल ग्रुप रहेगा, सब्यूटेंट नहीं होगा, और कार्बन कंटेनिंग है तो ये हमेशा नंबर वन रहेगा, इसलिए इसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। इसी के साथ नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, तो 1, 2, 3 कार्बन हो गया, तो 3 कार्बन के लिए क्या लगा देंगे प्रोपेनोइक एसिड। ऐसे ही थोड़ा सा टिपिकल, अब चेन को थोड़ा टिपिकल बना देते हैं, तो ये हमने अब की बार चेन को थोड़ा टिपिकल बना दिया, तो वही पेरेंट चेन तो ये रहेगी, एक कार्बन मिथाइल के रूप में सब्स्टिट्यूट हो गया, तो ये 1, ये 2, ये 3, तो क्या हो जाएगा 2 मिथाइल और 3 कार्बन की चेन है, तो 3 कार्बन की चेन के लिए क्या लग जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। अब बात आती है एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल, जिस तरह से हमने एल्डिहाइड ग्रुप में पढ़ा था वैसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 4। इसमें भी आपके 3 कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो हम ऐसी पेरेंट चेन का सिलेक्शन करें जिसमें तीनों ही एसिड आपके काउंट हो, तो ऐसी चेन पॉसिबल नहीं है जिसके अंदर तीनों ही मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन चेन में इंक्लूड होता हो, तो ऐसी कंडीशन पे हम क्या करेंगे तीनों के कार्बन को चेन में कंसिडर नहीं करेंगे, तो यहां पर जो चेन बनेगी वो ये होगी, और 3 कार्बन की चेन है 1, 2, 3, तो प्रोपेन कितने पोजीशन पर है, 1 पर है 2 पर और 3 पर है, और 3 बार है इसलिए ट्राई। अब ध्यान रखना वैसे इसके प्रीफिक्स के लिए कार्बोक्सी और आपके सफिक्स के लिए ओइक एसिड, बट अगर ये फंक्शनल ग्रुप में है उसका कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं होता हो तो इसी कंडीशन पे हम कौन सा लगाएंगे सफिक्स कार्बोक्सिलिक, तो यहां पर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड वर्ड हम यूज करेंगे, और यही इसका बेटर नेम है। हालांकि इसका एक और नेम है वो भी मैं बता दूं, लेकिन अगर दोनों नेम साथ साथ में हो तो इसी को हमें प्रायोरिटी पे रखना है। दूसरे के अकॉर्डिंग अगर आप इसका नेम करते हो तो इसमें यहां से चेन का सिलेक्शन करोगे तो ये 5 कार्बन का चेन हो जाएगा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये आपकी बार यहां पर सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेगा, तो 3 कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट है तो क्या बन जाएगा 3, और सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में हम क्या वर्ड लगाएंगे कार्बोक्सी, कितने कार्बन का चेन है 5 का, तो 5 कार्बन के चेन के लिए क्या लगेगा पेंट, और आपके 1 पर भी और 5 पर एसिड है तो क्या हो जाएगा 1,5-dioic acid। एक और एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल नंबर 5। अभी भी आपके पास 3COOH ग्रुप है, बट अब की बार आपके पास तीनों जो COOH ग्रुप है उनमें से हम 2 ही COOH को चेन में ले सकते हैं, तीनों को हम चेन में कंसीडर नहीं कर सकते, तो ऐसी कंडीशन पे हम एक को सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में रखेंगे, तो यहां पर ये वाला ग्रुप किसके रूप में रहेगा आपका सब्स्टिट्यूएंट फॉर्म में रहेगा, तो ये पेरेंट चेन में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अगर इस तरह से नंबरिंग करता तो भी 1, 2, 3, 4 पे आ रहा था, तो ये सब्स्टिट्यूएंट है और बाकी आपके 2 फंक्शनल ग्रुप है, तो सब्स्टिट्यूएंट कितने पोजीशन पर 4 पर, तो 4। अब ध्यान रखना सब्स्टिट्यूएंट भी सिंपल नहीं है, कॉम्प्लेक्स में, तो पहले इसका बेस साइड से नाम लिखेंगे, तो COOH के लिए क्या लगाया जाएगा कार्बोक्सी, और CH2 मिथाइल,
तो ये हो जाएगा फोर कार्बोक्सी मिथाइल। कितने कार्बन का चेन है? सेवन। सेवन कार्बन के चेन के लिए क्या लगेगा? हेप्ट। और वन पर और सेवन पर, वन सेवन डाई क्या हो जाएगा? ओइक एसिड। अब हम बात करते हैं इसी के साथ नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर सिक्स। एग्जाम्पल नंबर सिक्स, तो एग्जाम्पल नंबर सिक्स में मैंने ये लिखा है। अब इसमें भी आपके फंक्शनल ग्रुप देख लो कौन कौन से हैं। ये भी फंक्शनल ग्रुप है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है, ये भी है। तो इनमें से एक फंक्शनल ग्रुप, बाकी दो सब्स्टिट्यूएंट होंगे। ये में से आपका सीनियर है तो फंक्शनल ग्रुप ये रहेगा। तो नंबरिंग यहां से हो जाएगी वन टू थ्री फोर फाइव। फाइव कार्बन का चेन है और आपके फोर नंबर पर, तो ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है यहाँ पर। तो आप देखिएगा फाइव कार्बन में फोर पे कौन है? फोर मिल। तो फोर पे फोर मिल। हाँ, अब एक चीज ध्यान रखना, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों सब्स्टिट्यूएंट है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर एल्डिहाइड और कीटोन दोनों सब्स्टिट्यूएंट और दोनों के कार्बन चेन में हो तब इसके लिए ओक्जो, इसके लिए कीटो वर्ड लगता है। तो ध्यान दे यहां पर एल्डिहाइड सब्स्टिट्यूएंट के रूप में है लेकिन इसका कार्बन चेन में नहीं है, इसलिए यहां पर इसके लिए फॉर्मूला वर्ड यूज करेंगे। तो ये फॉर्मूला हो गया। अब ऐसी कंडीशन में फिर यहां पर हम कीटोन ही ओक्जो वर्ड यूज करेंगे। तो फोर फॉर्मिल थ्री ओक्जो फाइव कार्बन के लिए पेंट डबल बॉन्ड है कितने पर? फोर। तो फोर इन और क्या हो जाएगा? ऑइक एसिड। ऐसे एक और एग्जांपल देखिएगा नंबर सेवन। हाँ, तो देखिएगा यहां पर एल्डिहाइड भी है और एसिड हैलाइड भी है लेकिन यही फंक्शनल ग्रुप रहेगा। तो नंबरिंग यहां तो जाएगी वन टू थ्री फोर फाइव। ध्यान दीजिए सब्स्टिट्यूएंट हो गया और ये मल्टीपल बॉन्ड है। तो फंक्शनल ग्रुप के बाद हम हमेशा किसको प्रायोरिटी पर रखते हैं? बॉन्ड को। इसलिए इसका चेन में आना कंपलसरी है, इसलिए ये चेन में आएगा, इसको चेन में हम नहीं लेंगे। अब आप देखो कितने कार्बन की चेन है? फाइव। इसमें सब्स्टिट्यूएंट है थ्री पोजिशन पे, तो थ्री पोजिशन पे सब्स्टिट्यूएंट। और सब्स्टिट्यूएंट भी सिंपल नहीं है, ऐसे सब्स्टिट्यूएंट को हम कहां से लिखते हैं? बैक साइड से। तो पहले सीएल, तो सीएल के लिए क्या लगेगा? क्लोरो। सीओ, सीओ के लिए क्या लगेगा? फॉर्मिल। और सीएच टू के लिए क्या लगेगा? मिथाइल। तो क्या नाम हो जाएगा? थ्री क्लोरो फॉर्मिल मिथाइल। कितने कार्बन का चेन था? फाइव। फाइव कार्बन के चेन के लिए क्या लगेगा? पेंट। ट्रिपल बॉन्ड कितने पर है? फोर पर। तो फोर पर क्या लग जाएगा? आइन या फोर पेंटाइन। और ओइक एसिड है तो क्या बन जाएगा? ओइक एसिड। वन लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमेशा एसिड वन पोजीशन पे ही रहेगा। इसी के साथ ही आपके कार्बोक्सिलिक एसिड के नोमेनक्लेचर कंप्लीट होते हैं। अब इसी में आपके एक और मैं डाई बेसिक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर लेता हूं। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड जिसको हम डाई बेसिक बोलते हैं, तो इनके कॉमन नेम और आईपीसी नेम आपको लर्न होने चाहिए। तो सबसे पहले देखो डाई बेसिक में सबसे कॉमन है, इसका कॉमन नेम है ऑक्जेलिक एसिड। तो आईपीसी नेम क्या हो जाएगा? कितने कार्बन का चाहिए ना? टू। तो टू कार्बन के लिए क्या लगा देंगे? इथेन। और वन और टू पर है तो वन टू डाई ओइक एसिड। आप चाहो तो वन टू यूज भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इथेन डाई ओइक एसिड। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा टर्मिनेटिंग है, ये चेन के टर्मिनल पे होगा। तो जितने कार्बन की चेन का आप ये वर्ड लगा रहे हो उसमें पहले और आपके लास्ट पोजीशन पर होगा। जैसे नंबर टू ऑक्जेली के बाद आता है नंबर मेलोनिक एसिड, यह है सर मेलोनिक एसिड। और आईपीसी नेम वन टू थ्री कार्बन गया तो थ्री कार्बन के लिए क्या लगाओगे? प्रोपेन। और वन पर थ्री पर है तो वन थ्री डाई ओइक एसिड। और वैसे लिखना चाहो तो क्या लिखोगे? प्रोपेन डाई ओइक एसिड। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट नंबर थ्री की, एग्जाम्पल नंबर थर्ड। अब की बार एक कार्बन और दोनों के बीच में हमने बढ़ा दिया, तो ऑक्जेलिक हो गया, मेलोनिक हो गया। अब नंबर आता है सक्सेनिक एसिड, तो इसका कॉमन नेम तो है सक्सेनिक एसिड। और आईपीसी नेम में वन टू थ्री फोर कार्बन है तो फोर कार्बन के लिए क्या लगेगा? ब्यूटेन। और वन और फोर पे क्या हो जाएगा? डाई ओइक
एसिड। नंबर फोर, अब एक कार्बन और दोनों के बीच में इंक्रीज कर देंगे हम, तो पहला ऑक्जेलिक, फिर मेलोनिक, सक्सेनिक, अब हो जाएगा ग्लूटेरिक एसिड। कितने कार्बन की चेन होगी? 1, 2, 3, 4, 5। फाइव कार्बन की चेन के लिए क्या लगेगा? पेंटेन, और 1 और 5 पर है तो 1,5-डाइऑइक एसिड। नंबर 5, और दोनों के बीच में इंक्रीज कर देंगे तो एडेपिक हो गया। एडेपिक के बाद में आपका आता है ग्लूटेरिक हो गया। ग्लूटेरिक के बाद में आपका नंबर आता है एडेपिक, एडेपिक एसिड। अगर हम बात करें आईपीसी की तो कितने कार्बन है इसमें? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 कार्बन के लिए क्या लगेगा? हेक्सेन, 1,6-डाइऑइक एसिड। अब हम बात करते हैं नंबर 6। एक कार्बन और इंक्रीज कर देते हैं दोनों के बीच में, इसका कॉमन नेम हो गया पाइमेलिक एसिड। क्या बन गया? पाइमेलिक एसिड। और आईपीसी में यहां पर एक्शन हो गया तो एक्शन के बाद में क्या आएगा? हेप्टेन, 1,7-डाइऑइक एसिड। इसी के साथ ही एसिड का नोमेनक्लेचर कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे यहां से एसिड डेरिवेट्स, और एसिड डेरिवेट्स में पहला एस्टर। तो पहला एसिड डेरिवेट है एस्टर, ये इसका फॉर्मूला होता है। ध्यान दें, इसमें आपका ये जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ ग्रुप है इसके लिए एल्काइल वर्ड हम यूज करते हैं, और इसके लिए एल्केनोएट। अगर दोनों को मिला के लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? एल्किल एल्केनोएट। तो फर्स्ट एग्जांपल, सबसे पहले हम आर ग्रुप को लिखेंगे तो 2 कार्बन का चेन है तो क्या बन जाएगा? इथाइल, और मेन पेरेंट चेन 1 कार्बन का है तो मीथेन, मीथेन में ओएट, मिथेनोएट। एग्जांपल नंबर 2, वही 2 कार्बन है सब्स्टिट्यूएंट तो 2 कार्बन के लिए इथाइल, और चेन में कितने हैं? 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए क्या लग जाएगा? इथेनोएट। एग्जांपल नंबर 3, तो देखिएगा ऑक्सीजन के साथ क्या लगा हुआ है? मिथाइल। ऑक्सीजन के साथ मिथाइल लगा हुआ है तो इसके लिए क्या लगेगा? मिथाइल। चेन ये हो जाएगी आपकी, तो कितने कार्बन का चेन है? 4 कार्बन का, तो 1, 2, 3, 4। अब आप देखो 2 पर कौन है? Br, तो ब्रोमो, और 3 पर कौन है? मिथाइल, तो क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो। 3 पर क्या हो जाएगा? मिथाइल। कितने कार्बन का चेन है? 1, 2, 3, 4। 4 कार्बन के चेन के लिए क्या लगेगा? ब्यूट। डबल बॉन्ड कितने पर है? 3 पर, तो 3-ईन, और इसके लिए क्या लगेगा? ओ एट। दोनों को मिला के लिख देंगे तो यहां से ई ड्रॉप हो जाएगा तो इथेनोएट, तो ये बन जाएगा ब्यूट 3-ईनोएट। बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4। देखिएगा एग्जांपल नंबर 4, तो आपके पास ऑक्सीजन के साथ क्या ग्रुप जुड़ा हुआ है? ये सब्स्टिट्यूएंट है, 2 सब्स्टिट्यूएंट साथ है तो पहले यहां से लिखेंगे Cl, तो Cl के लिए क्या हो जाएगा? क्लोरो, और 1 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? मिथाइल, तो क्लोरो मिथाइल। और पेरेंट चेन कितने कार्बन का है? 2 का, तो 2 कार्बन के लिए क्या लग जाएगा? इथेनोएट, तो ये बन जाएगा
मिथाइल इथेनोइट। अब हम बात करते हैं एग्जांपल नंबर 5। तो देखिएगा ऑक्सीजन के साथ तो क्या जुड़ा हुआ है, ये ग्रुप, तो इसका मतलब क्या बन गया, मिथाइल। अब बात आती है पेरेंट चेन, तो पेरेंट चेन यहां से स्टार्ट होगी। अब हम इस तरफ जाएं या इस तरफ जाएं, क्योंकि यहां भी ये कार्बन है, यहां भी ये कार्बन है, बट अगर हम नीचे की साइड जाते हैं तो एक एडवांटेज है, क्या आपको दो सब्स्टिट्यूएंट ऑब्टेन हो जाते हैं, और अगर हम स्टेट में जाते हैं तो केवल एक ही सब्स्टिट्यूएंट हमें ऑब्टेन होता है। हम चेन को नीचे की साइड से सेलेक्ट करेंगे, तो नंबरिंग 1, 2, 3, 4, 5, 5 पे कौन है, क्लोरो, तो 5 क्लोरो, 3 पे कौन है, 4 पे कौन है, मिथाइल, तो 4 मिथाइल। कितने कार्बन का चेन है, 5, 5 के लिए क्या लगेगा, पेंटेनोएट। अब हम बात करेंगे एग्जांपल नंबर 6 की, तो देखिएगा एग्जांपल नंबर 6, तो देखिएगा ऑक्सीजन के साथ ये ग्रुप, तो इसके लिए क्या लगेगा, इथाइल चेन हो जाएगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 पे ब्रोमो और 5 पे हाइड्रोक्सी, तो 4 ब्रोमो, 5 पे क्या लगेगा, हाइड्रोक्सी, और 6 कार्बन के लिए क्या लगेगा, हेक्सेनोएट। तो देखिए एक एग्जांपल और, तो इसका नोमेनक्लेचर करना है, तो ऑक्सीजन के साथ ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो अब की बार आपका एल्काइल ग्रुप भी कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। तो सबसे पहले यहां पर हम नंबरिंग करेंगे, चेन का सिलेक्शन करेंगे, तो ये चेन हो जाएगी और ये 1 डेज हो जाएगा, ये 2 डेज हो जाएगा, तो 1 डेज पे मिथाइल है, तो हम क्या लिखेंगे, 1 मिथाइल और 2 कार्बन का चेन है, इथाइल एंड चेन, तो ये पेरेंट चेन हो जाएगी। ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसके लिए 4 मिल और इसके लिए क्या लगे, क्लोरो 4 मिल, तो पहले वो आएगा, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो 4 पे क्या हो जाएगा, क्लोरो 4 मिल, और 3 पे 4 मिल, 5 कार्बन का चेन है तो पेंट, और 2 पे डबल बॉन्ड है, 2 इन, और उसके लिए क्या लगेगा, OH, दोनों को मिला के लिखेंगे, ई ड्रॉप हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, पेंट 2 इनो 8। अब हम पढ़ेंगे यहां से जॉइनेड एस्टर, 2 एस्टर को आपस में जॉइंट करके, उसमें भी हम ऑक्सीजन के साथ जॉइंट करके बनाते हैं। अगर ऑक्सीजन के साथ जॉइंट करके बनाएंगे तो उसका नोमेनक्लेचर लिखने के लिए हम लिखेंगे अल्काइल लिडीन, या फिर लिखेंगे अल्काइलीन, और लास्ट में आ जाएगा एल्केनोएट। अर्थात यहां पर अल्काइल जो वर्ड है, जब हमने अभी एस्टर के नोमेनक्लेचर में कहा था अल्काइल एल्केनोएट, तो अल्काइल के स्थान पर हम यहां पर अल्काइलिडीन या अल्काइलीन वर्ड यूज करेंगे। अब ध्यान रखना, दोनों अल्काइलिडीन का मतलब है ऐसे, एक ही कार्बन से जुड़े हो, अल्काइलिडीन से सेंस क्या है, एक ही कार्बन से जुड़े हो तो अल्काइलिडीन, और अलग अलग कार्बन से अगर अटैच है तो अल्काइलीन वर्ड हम यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल देखिएगा, तो ये आपका अल्काइल ग्रुप है और एक ही कार्बन से दोनों ऑक्सीजन अटैच है, तो ये कौन सी फॉर्म हो गई, लिडीन वाली, तो कितने कार्बन है, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन के लिए क्या लगा देंगे हम, इथाइलिडीन, और यहां पर 1, 2, 1, 2, 2 कार्बन का है तो 2 कार्बन के लिए क्या लग जाएगा, इथेनोएट, तो ये बन जाएगा इथाइलिडीन इथेनोएट। ऐसे एक एग्जांपल और देखिएगा, अब के बार हमने केवल एक ही कार्बन लिया है, तो एक कार्बन के लिए क्या वर्ड लगाएंगे,
मिथाइलिडीन और चेन में वही दो कार्बन है तो दो कार्बन के लिए क्या लगेगा एथेनोएट। एक और एग्जांपल देखिएगा ऑक्सीजन जॉइनेड गाइड अब की बार ये तो देखो ये तो जेएम की फॉर्म था अब की बार ये विस वाली फॉर्म है कौन सी फॉर्म है ये विस वाली फॉर्म है और विस वाली फॉर्म है तो इसके लिए क्या लगेगा ईन वाला अल्काइलीन तो दो कार्बन के लिए क्या लग जाएगा इथाइलीन और वही दो कार्बन है तो दो कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे हम इथेनोएट। अब बात आती है कि अभी तो ये ऑक्सीजन के साथ ज्वाइंट थे अब ये ऑक्सीजन के साथ नहीं कार्बन के साथ ज्वाइनेड हो इसके साथ ज्वाइन हो कार्बन के साथ तो अगर इसके लिए हम अल्काइल अल्काइल एल्केन डाई ओएट यूज करेंगे या डाई अल्काइल एल्केन ओएट ध्यान रखना जब दोनों डिफरेंट हो तो यहां पर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो जैसे एक एग्जांपल से मैं एक्सप्लेन करता हूं ये एग्जांपल लिया है तो ध्यान दीजिएगा ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ ग्रुप ये अल्काइल ग्रुप है अगर ये दोनों सेम है तो तुम डाई एल्किल एल्केन डाइओएट लगा देंगे अगर ये दोनों डिफरेंट है तो अल्फाबेट के हिसाब से इनको हम लिखेंगे यहां पर तो ध्यान दे अभी दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा डाई मिथाइल और 1 2 3 4 फोर कार्बन का चेन है तो फोर कार्बन के चेन के लिए क्या लगेगा ब्यूटेन और 1 और 4 पर है तो 1 4 क्या हो जाएगा डाई ओएट। ऐसे एक और एग्जांपल देखो अब की बार ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए दोनों ग्रुप डिफरेंट लेते हैं तो डिफरेंट हो गए एक था पिथाइल एक था मिथाइल तो अल्फाबेट में पहले कौन आएगा इथाइल बाद में कौन आएगा मिथाइल तो ये बनेगा पहले इथाइल फिर आएगा मिथाइल फोर कार्बन का चेन है तो ब्यूटेन और 1 4 क्या हो जाएगा डाई ओएट। इसी के साथ ही एस्टर का आपका पार्ट कंप्लीट होता है तो सेकंड देखिएगा इसे डेरिवेट में एनहाइड्राइड एनहाइड्राइड भी हम टू टाइप के लेंगे अगर बोथ आर सेम अर्थात बोथ अल्काइल ग्रुप सेम तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल। सेकंड बोथ अल्काइल ग्रुप डिफरेंट अनसिमेट्रिकल अगर सिमेट्रिकल हो तो इसके लिए तो हम डायरेक्ट एल्केनोइक एनहाइड्राइड वर्ड यूज करेंगे और अगर अनसिमेट्रिकल है तो हम दोनों के अलग अलग यूज करेंगे एल्केनोइक एल्केनोइक एनहाइड्राइड और ये एल्केनोइक एल्केनोइक है इसको हम लिखेंगे अल्फाबेटिकल। जैसे एग्जांपल देखिएगा आप देखिएगा बोथ साइड ग्रुप सेम है तो ये सिमेट्रिकल का पार्ट है और कितने कार्बन है 1 तो 1 कार्बन के लिए क्या लग जाएगा मेथेनोइक एन हाइड्राइड। सेकेंड अभी भी सिमेट्रिकल है और 2 कार्बन है तो क्या बन जाएगा एथेनोइक एन हाइड्राइड। तो देखिएगा इनका फॉर्मेशन बहुत आसान है इनको हम कार्बोहाइड्रेट का डिहाइड्रेट बोलते हैं डिहाइड्रेट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसा क्यों जैसे मुझे ये एथेनोइक एनहाइड्राइड बनाना था तो मैं क्या करूंगा एसिटिक एसिड के 2 moles यूज करूंगा तो ये मैंने एसिटिक एसिड के 2 mole ले लिए जब मैं इसको यहां से यूज करूंगा तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा और इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये क्या है इसका नाम है
इथेनोइक एसिड। अब ये इसी से बना है तो यहां पर एसिड को हटाकर क्या लगा देंगे, इथेनोइक एनहाइड्राइड। ऐसे नंबर थर्ड एग्जांपल। अब हम अनसिमेट्रिकल का यूज करते हैं। अब ये बन गया, तो एक तरफ टू कार्बन एक तरफ थ्री कार्बन है, तो ये क्या हो गया, अनसिमेट्रिकल का पार्ट हो गया। तो अनसिमेट्रिकल में हम टू टाइम एल्केनोइक ग्रुप यूज करेंगे, तो ये तो क्या हो गया इथेनोइक, वो क्या हो गया प्रोपेनोइक। तो अल्फाबेट में पहले क्या आएगा इथेनोइक, तो ये बन जाएगा इथेनोइक, और वो बन जाएगा प्रोपेनोइक, और लास्ट में क्या वर्ड यूज करेंगे हम, एनहाइड्राइड। तो यहां पर इसका हो जाएगा एनहाइड्राइड। ऐसे एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम, तो देखो ये भी अनसिमेट्रिकल है, एक साइड वन कार्बन है एक साइड टू कार्बन है, तो वन कार्बन मेथेनोइक और एक साइड टू कार्बन है तो उसको इथेनोइक, तो क्या बन जाएगा इथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड। अब बात करते हैं हम इसके, तो देखिएगा इसके आगे हम बात करते हैं नंबर सी। नंबर सी में आता है एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड में हम एल्केन और एल्केन में ऐड करेंगे ऑयल हैलाइड, तो ई ड्रॉप हो जाएगा, क्या बन जाएगा एल्केन ऑयल हैलाइड। फर्स्ट एग्जांपल देखिएगा कितने कार्बन का चेन है, वन टू टू कार्बन का चेन है, तो टू कार्बन के लिए क्या लगेगा इथेन, इथेन में क्या लगाएंगे ऑयल हैलाइड, तो ई ड्रॉप हो जाएगा एथेन ऑयल, और सीएल है तो सीएल के लिए क्या वर्ड लगेगा क्लोराइड। सेकेंड एग्जाम्पल अब देखिएगा, नंबर ऑफ कार्बन वन टू थ्री फोर कार्बन का चेन है, तो फोर कार्बन के लिए क्या लगेगा ब्यूटेन, ई ड्रॉप हो जाएगा क्या लग जाएगा ब्यूटेन ऑयल, और सीएल के लिए क्या लगेगा क्लोराइड। थर्ड एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है थर्ड इसका, इस टाइप के एग्जाम्पल कई बार एग्जाम्स में आ चुके हैं। अब की बार आपके पास थ्री कार्ब मतलब थ्री एसिड हैलाइड ग्रुप है, हम ऐसी चेन का सिलेक्शन करें जिसके अंदर ये तीनों ही काउंट हो जाए, बट ऐसी चेन पॉसिबल नहीं है, तो ऐसी कंडीशन पर हम क्या करेंगे इन तीनों को ही चेन में काउंट नहीं करेंगे। हालांकि ये फंक्शनल ग्रुप है बट इनका कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं होगा, तो हमारे पास यहाँ पर जो चेन होगी वो ये हो जाएगी। तो बताओ वन टू थ्री थ्री कार्बन का चेन है, तो थ्री कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे प्रोपेन, तो ये वन पोजीशन पर ये टू पर ये थ्री पर, तो क्या हो जाएगा वन टू थ्री, थ्री टाइम है, थ्री टाइम है तो क्या लगा देंगे ट्राई, ट्राई के बाद में सीओ सी एल है, तो सीओ सी एल के लिए क्या लगेगा कार्बोनिल, और सीएल के लिए क्या लगा देंगे क्लोराइड। ऐसे देखिएगा नेक्स्ट एग्जांपल नंबर फोर। जैसे ये एग्जांपल लिया है, तो सबसे पहले सिलेक्ट करो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो ये कार्बन चेन हो जाएगी, नंबरिंग वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एट कार्बन का चेन हो गया। अब आप देखो ये भी सब्स्टिट्यूएंट और ये भी सब्स्टिट्यूएंट है और ये आपका बॉन्ड है, तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट इसको लिखा जाएगा फाइव पे, तो फाइव पे क्या आएगा हाइड्रोक्सी, सेवन पर क्या है तो ये थ्री डबल बॉन्ड हो कीटोन है, लेकिन हमने कहा था कि अगर कीटोन रेंडियर दोनों साथ साथ हो और दोनों का कार्बन चेन में हो तब कीटो, अदरवाइज ऑक्जो, तो क्या हो जाएगा सेवन ऑक्जो। उसके बाद में कितने कार्बन का चेन था एट, एट कार्बन के लिए क्या लगेगा ऑक्ट, और कितने पर डबल बॉन्ड है थ्री पर, तो थ्री इन, और मैं इसको अगर मिला के लिखूंगा तो क्या बनेगा थ्री ऑक्टीन, और आपका एसिड हैलाइड वन पर है तो क्या बन जाएगा वन ऑयल, और सीएल है तो सीएल के लिए क्या लगाएंगे क्लो राइट। ऐसे हम बात करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर की, तो देखिएगा फिफ्थ नंबर में एक कार्बन है, इस पर सीओ सी एल, सीओ सी एल, और इधर भी सीओ सी एल। अब आप बताओ
इसी चेन का सिलेक्शन। तो अगर हम ये चेन लेते हैं इन कार्बन वाली, तो ये फंक्शनल ग्रुप आपका चेन में इंक्लूड नहीं होता। तो इसी कंडीशन पर भी हम क्या करेंगे, तीनों फंक्शनल ग्रुप को चेन से आउट कर देंगे। तो आपके पास चेन वन कार्बन का हो गया। तो वन कार्बन के चेन के लिए क्या लगेगा, मिथेन, और वही वन वन वन, तीनों ही वन पोजिशन पर है। आप वन यूज करो तो ठीक है, ना ही करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मिथेन एक ही कार्बन की चेन होता है और थ्री टाइम है। तो थ्री टाइम के लिए क्या लगा देंगे, ट्राई, और क्या लगेगा, कार्बोनिल क्लोराइड। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल, सिक्स एग्जाम्पल में हम ये ले रहे हैं। यह है आपकी फार्चीन गैस, एक पॉइजनस गैस है, और ये एसिड हेलाइड ग्रुप आपका फंक्शनल ग्रुप है। तो देखिए यहां सब्स्टिट्यूएंट के रूप में क्या हो गया, क्लोरो। तो यहां पर हम क्या लगा देंगे, क्लोरो, और एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए क्या लगेगा, मिथेनॉइल, और शेल के लिए क्या वर्ड लगा देंगे, क्लोराइड। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल और। तो देखिएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7। तो यहां पर देखिएगा, एक तो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, एक कीटोन है, और एक एसिड हैलाइड है। इनमें से ये सीनियर है, बाकी दो जूनियर है। तो ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेंगे। तो पेरेंट चेन की बात करें तो ये पेरेंट चेन हो गई, यहां से नंबरिंग हो जाएगी सीनियर ग्रुप की तरफ से। अब मैंने आपको जब रूल पढ़ाया था तब एक बात बताई थी कि अगर एल्डिहाइड कीटोन दोनों सब्स्टिट्यूएंट हो और दोनों के कार्बन चेन में इंक्लूड हो, तो ऐसी कंडीशन पर इस एल्डिहाइड के लिए तो क्या वर्ड लगेगा, ऑक्जो, और कीटोन के लिए क्या लगेगा, कीटो। तो बताइएगा इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, थ्री पे कीटो, फाइव पे ऑक्जो। तो थ्री कीटो, फाइव पे ऑक्जो, और फाइव कार्बन का चेन है तो फाइव कार्बन के चेन के लिए क्या लगेगा, पेंटेनॉइल, और सीएल के लिए क्या लगेगा, क्लोराइड। अगर हम इस एल्डिहाइड को चेन में नहीं लेते तो फिर आपके पास वन टू थ्री फोर कार्बन का चेन होगा। तो ऐसी कंडीशन पे हम क्या बोलेंगे, थ्री ऑक्जो और फोर कार्बन के चेन के लिए ब्यूटेनॉइल, और ये क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। तो इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे और इसके लिए हम ऑक्जो वर्ड यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 8। हाँ, तो देखिएगा सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, क्योंकि आपका फंक्शनल ग्रुप तो यह है। अब अगर हम सिलेक्शन करते हैं तो आपके पास सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में यहां तक तो ही रहेगी। अब हम डाउन साइड जाते हैं तो वन टू थ्री फोर फाइव कार्बन का चेन होता है, और स्ट्रेट जाते हैं तो वन टू थ्री फोर फोर कार्बन का चेन होता है। बट आपके पास डाउन में मल्टीपल बॉन्ड नहीं आता, जबकि स्ट्रेट में आपके मल्टीपल बॉन्ड भी आ रहा है। तो यहां पर जो चेन आएगी वो कौन सी आएगी, स्ट्रेट चेन। तो स्ट्रेट चेन आ गई, नंबरिंग यहां से हो जाएगी, ये नंबरिंग हो गई। अब आप देखो ये आपके पास जो कॉम्प्लेक्स है वो कौन सब्स्टिट्यूएंट है, वो कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। तो इसमें भी आपको क्या करनी पड़ेगी, नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा वन डेज, ये हो जाएगा टू डेज, ये हो जाएगा थ्री डेज। अब बताओ थ्री डेज पे क्या है, क्लोरो। तो पहले तो हम लिखेंगे पेरेंट कार्बन की पोजिशन, बताओ पेरेंट कार्बन की पोजिशन क्या है, टू। तो टू, अब लिखेंगे हम सब्स्टिट्यूएंट चेन की पोजिशन, सब्स्टिट्यूएंट चेन में किस पोजिशन पर है, थ्री। तो थ्री, और सीएल के लिए क्या लगेगा, क्लोरो, और थ्री कार्बन के लिए क्या लगेगा, प्रोपाइल। अब मेन पेरेंट चेन कितने कार्बन का है, फोर, फोर कार्बन के लिए क्या लगेगा, ब्यूट, और उसमें हॉर्मोन किस पर है, थ्री पर, तो थ्री ईन, इसको हम थ्री ब्यूटीन भी लिख सकते हैं। और वन पर क्या है, ऑयल क्लोराइड। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल की। तो देखिएगा नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 9। तो देखिएगा यहां पर आपके दो फंक्शनल ग्रुप है, ये एमाइड है और ये एसिड हैलाइड है। तो ये आपका सीनियर है और ये जूनियर है। तो ये फंक्शनल ग्रुप रहेगा और ये क्या रहेगा, सब्स्टिट्यूएंट। तो इसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे हम, एक ही कार्बन का चेन है तो कार्बामाइड, और एक ही कार्बन के चेन के लिए क्या लगा देंगे, मेथेनॉइल क्लोराइड। ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 भी इसी के सिमिलर है, ये लिया है मैंने। अब आप देखो ये तो कौन सा ग्रुप है, एसिड।
और ये कौन सा ग्रुप है? तो देखिए ये तो क्या है, एसिड हैलाइड, और ये क्या है, एसिड हैलाइड। ये एसिड हैलाइड है, ये एसिड है, ये फंक्शनल ग्रुप है, और ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है। तो आप देखो चेन, चेन में 1, 2, 3 कार्बन का चेन है, और ये एसिड हैलाइड है, तो इसके लिए क्या लगाएंगे हम, थ्री क्लोरोकार्बोनिल के स्थान पर क्लोरोफॉर्मिल यहाँ पर बेटर होगा, अतः हम क्लोरोफॉर्मिल का प्रयोग करेंगे। और थ्री कार्बन का चेन है, तो थ्री कार्बन के चेन के लिए क्या लगेगा, प्रोपे नोइक, और एसिड के लिए लग जाएगा ओइक एसिड। इसी के साथ ये आपके एग्जाम्पल होते हैं, और कुछ इसके स्पेशल एग्जाम्पल बताता हूँ। तो देखिएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 11, तो वही सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अगर हम स्ट्रेट चेन लेते हैं तो बॉन्ड काउंट नहीं होता, इसलिए हम स्ट्रेट चेन नहीं लेंगे, हम ये वाली चेन काउंट करेंगे। नंबरिंग यहां से होगी फंक्शनल ग्रुप की तरफ से। तो 5 कार्बन का चेन हो गया, 4 पे क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट, तो क्या बन जाएगा, 4-इथाइल, और 5 कार्बन के लिए क्या लगेगा, पैंट, और कितने पर डबल बॉन्ड है, 4 पर, तो 4-इन, और आगे क्या लग जाएगा, ऑयल क्लोराइड। नेक्स्ट एग्जाम्पल बात करेंगे 12। तो देखिएगा 12 नंबर का एग्जाम्पल, तो सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो ये चेन हो जाएगी, नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप की तरफ से हो जाएगी। हालांकि यहाँ पर OH भी है, LDH भी है, बट सीनियर फंक्शनल ग्रुप ये रहेगा, बाकी सब सब्स्टिट्यूएंट है। तो 7 पर कौन है, अमीनो अल्फाबेट में, और उसी है, और ये हो जाएगा आपका क्या, फॉर्मिल मिथाइल। तो पहले आ जाएगा 3 फॉर्मिल मिथाइल, और 4 पर हो जाएगा हाइड्रोक्सी, नंबर ऑफ कार्बन चेन 7 कार्बन का चेन है, तो हेप्ट, डबल बॉन्ड कितने पर, 4 पर, तो 4-ईन, और इसके लिए क्या लग जाएगा, ऑयल क्लोराइड। इसी के साथ ये एसिड हैलाइड के एग्जांपल कंप्लीट होते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट ग्रुप की, तो नेक्स्ट नंबर 4 अमाइड। अमाइड के लिए हम यूज करेंगे एल्केन, और एल्केन में अमाइड ऐड करेंगे, ई ड्रॉप हो जाएगा, ये बन जाएगा एल्केनामाइड। इसमें भी हम फर्स्ट बात करेंगे पहले 1 डिग्री अमाइड की। सबसे कॉमन और सिंपल एग्जाम्पल हमने ये लिया है, कितने कार्बन का चेन है, 1, 2, 3 कार्बन, तो क्या हो जाएगा, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन ई ड्रॉप हो जाएगा, और क्या बड़ा ऐड हो जाएगा, अमाइड, तो क्या बन जाएगा, प्रोपेनामाइड। सेकेंड एग्जाम्पल, अब की बार हमने ये लिया है, तो वही सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, 3 कार्बन का चेन, नंबरिंग यहां से हो जाएगी, 3 कार्बन का चेन है, तो 3 कार्बन के लिए क्या लगेगा, प्रोब। अब की बार इसमें डबल बॉन्ड है 2 पोजीशन पर, तो 2-ईन, और इसके लिए क्या वर्ड लगेगा, अमाइड। और अगर हम कॉम्बाइंड फॉर्म में लिखेंगे तो प्रो 2-इनामाइड, यहां से ई ड्रॉप हो जाएगा, इसको मिला के लिख देंगे, इनामाइड बन जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर थर्ड, थर्ड एग्जांपल नंबर बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट भी है, ये लिया है मैंने। क्या नाम है इसका कॉमन नेम, तो इसका कॉमन नेम तो है यूरिया। आईपीसी नेम, तो आईपीसी नेम में देखो ये आपका अमाइड है, बाकी बचा हुआ भाग आपका सब्स्टिट्यूएंट है, तो सब्स्टिट्यूएंट के रूप में क्या आएगा, अमीनो। तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया अमीनो, 1 कार्बन का चेन है, इसलिए पोजीशन को रिप्रेजेंट करने की आवश्यकता नहीं है, तो ये बन जाएगा मिथेनामाइड, तो बन गया अमीनो मिथेनामाइड। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की,
तो देखिएगा फोर्थ नंबर का एग्जांपल इसी के सिमिलर। ये फंक्शनल ग्रुप है एमाइड चेन 1 2, टू कार्बन का चेन है और टू पर ये सब्स्टिट्यूएंट है, टू अमीनो और टू कार्बन का चेन है तो इथेनामाइड। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5, देखिएगा इसमें हम सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5, तो ये वाली चेन लेंगे जिसमें लार्ज नंबर कार्बन हो, क्योंकि बॉन्ड इसमें भी काउंट होगा और बॉन्ड इसमें भी हो जाएगा। अब नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप की तरफ से कर देंगे तो ये नंबरिंग होगी। अब आप देखो 3 पर ग्रुप में तो 3 इथेनल, तो ये 3 इथेनल और 5 कार्बन 6 कार्बन का चेन है तो हेक्स, 5 पर डबल बॉन्ड है तो 5 इन और 1 पर एमाइड है तो क्या बन जाएगा 1 एमाइड। इसी के साथ एक और एग्जांपल की बात करते हैं हम, तो सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये हो गया नंबरिंग 1 2 3 4 5। तो देखो इसमें कीटोन भी है एल्डिहाइड भी है, कीटोन का कार्बन चेन में आ रहा है लेकिन एल्डिहाइड का कार्बन चेन में नहीं आ रहा, तो इसके लिए फॉर्मिल और इसके लिए क्या लगेगा ओक्जो, तो ये हो जाएगा 2 ब्रोमो 3 फॉर्मिल और 4 पे क्या लगेगा ओक्जो और 5 मेंबर चेन है तो 5 के लिए क्या लगेंगे पेंटामाइड। इसके एक आध एग्जाम्पल की बात और हम करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7 ये लिया मैंने, चेन तो ये हो जाएगी 3 पर मिथाइल है तो 3 मिथाइल और 4 कार्बन का चेन है तो ब्यूटेनामाइड। एक और एग्जाम्पल नंबर 8, ये लिया मैंने, तो देखिएगा इसमें ये भी एमाइड और ये एसिड है तो चेन, अगर मैं इसलिए चेन लेता हूं तो ये फंक्शनल ग्रुप होने के बाद भी इसका कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं होता, इसलिए हमें चेन स्ट्रेट की बजाय ये वाली चेन लेनी होगी। नंबरिंग हमें नंबरिंग इस साइड से करनी होगी ताकि इसको हम ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया और इस सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर ऑब्टेन होता हो तो 1 2 3 4, तो 2 पर क्या है 4 मिल, तो ये हो जाएगा 2 फॉर्मिल। कितने कार्बन का चेन है 4 कार्बन के लिए क्या लगेगा ब्यूटेन और 1 पर और 4 पर तो 1 4 डाई एमाइड। इसी के साथ ही आपके 1 डिग्री एमाइड के एग्जांपल कंप्लीट होते हैं। अब हम बात करेंगे 2 डिग्री एंड 3 डिग्री की। 2 डिग्री एमाइड क्या होता है, 2 डिग्री एमाइड ये होता है 2 डिग्री एमाइड के लिए, तो सबसे पहले इसका नाम लिखा जाएगा, एन के साथ जुड़ा हुआ है तो एन, आर के लिए एल्काइल तो एन एल्काइल, और ये बचा हुआ जो पार्ट है इसके लिए लिखा जाएगा एल्केनामाइड। जैसे एग्जांपल सबसे कॉमन एग्जांपल तो देखो एन पे मिथाइल है तो क्या बन जाएगा एन मिथाइल और 3 कार्बन का चेन है तो 3 कार्बन के चेन के लिए क्या बन जाएगा प्रोपेनामाइड। ऐसे ही एक और एग्जांपल देखिएगा, तो अब एन पे क्या है इथाइल तो ये बन जाएगा एन इथाइल और वही 3 कार्बन का चेन है तो 3 कार्बन के चेन के लिए क्या बन जाएगा प्रोपेनामाइड। ऐसे ही एक और एग्जांपल देखिएगा, तो वही एन पे क्या लगा हुआ है इथाइल तो ये तो हो जाएगा एन इथाइल। कितने कार्बन का चेन है 1 2 3 4 5 का तो नंबरिंग 1 2 3 4 5, 4 पे भी क्या है क्लोरो तो फिर आ जाएगा 4 क्लोरो।
कितने कार्बन, फाइव, फाइव कार्बन के लिए क्या लगेगा, पेंट, उसमें डबल बॉन्ड कितने पर है, टू पर, तो टू इन, और इस वाले के लिए क्या लग जाएगा, अमाइड, तो ये बन जाएगा एन इथाइल फोर क्लोरो पेंटीन एमाइड। एक और इसमें स्पेशल एग्जांपल ले लेते हैं अपन, सबके पास दो कार्बन रखते हैं इधर, और इधर थोड़ी ब्रांच वाली चेन लेते हैं, तो ब्रांच वाली चेन में देखो आप, ये आपकी सब्स्टिट्यूटेंट चेन हो गई टू कार्बन की, और इसके अंदर ये आपका सब्स्टिट्यूटेंट हो गया, तो हम लिखेंगे यहां पर एन, उसके अंदर ब्रैकेट, ब्रैकेट में आपके वन पोजिशन पर है, तो वन मिथाइल, और टू कार्बन का सब्स्टिट्यूटेंट चेन है तो इथाइल, और टू कार्बन का मेन चेन है तो इथेना माइड। अब हम बात करेंगे थ्री डिग्री अमाइड की। थ्री डिग्री अमाइड के लिए आर सी डबल बॉन्ड ओ एन आर और आर, तो टू आर है, अगर दोनों सेम है तब तो क्या लग जाएगा, एन एन डाई एल्काइल एल्केना माइड, और दोनों डिफरेंट है तो एन एल्काइल एन एल्काइल एल्केनामाइड, ये लिखा जाएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर, और ये आएगा लॉन्गेस्ट चेन के लिए। जैसे एक एग्जांपल, तो आप देखो एन पे ये भी मिथाइल ये भी मिथाइल, तो एन एन डाई मिथाइल, और टू कार्बन का चेन है तो टू कार्बन के चेन के लिए क्या आ जाएगा, इथेना माइड, और अगर ये डिफरेंट हो तो जैसे एक एग्जांपल डिफरेंट का भी लेते हैं। अब आप देखो ये इथाइल है ये मिथाइल है, तो एन इथाइल एन मिथाइल, और थ्री कार्बन का चेन है तो थ्री कार्बन के लिए क्या लग जाएगा, प्रोपेना माइड। इसी के साथ ये थ्री डिग्री अमाइड भी आपका कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट ग्रुप, तो देखिएगा नेक्स्ट हम लेने जा रहे हैं अमाइन, हालांकि ये ऐसे डेरिवेट नहीं है बट ये एक ग्रुप बचा हुआ है तो हम इसको यहीं काउंट कर रहे हैं। तो अमाइन, अमाइन का फॉर्मूला आर एन एच टू, और यहां पर आर इसके लिए हम लगाएंगे एल केन, और उसमें ऐड करेंगे अमाइन, ये ड्रॉप हो जाएगा, क्या बन जाएगा, एल के ना माइन। इसमें भी हम पहले बात करेंगे वन डिग्री अमाइन की, जैसे सबसे सिंपल कॉमन एग्जांपल ये लिया है मैंने, टू कार्बन का चेन है तो टू के लिए इथेन, इथेन में अमाइन लगा देंगे, ई ड्रॉप हो जाएगा, क्या बन जाएगा, इथेना माइन। ऐसे नेक्स्ट थ्री कार्बन पे लगाया, आपको बताया थ्री कार्बन से पोजीशन चेंज हो जाती है इसलिए हम नंबरिंग करेंगे तो वन टू थ्री हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, प्रोपेना माइन, लेकिन कौन सा, वन पोजीशन पर है। लेकिन अगर मैं इसी को ऐसे लिख दूं तो अब नंबरिंग ये हो जाएगी, अब टू पोजीशन पर आ गया तो टू और फोर कार्बन है तो फोर कार्बन के लिए क्या लगेगा, ब्यूट, तो क्या बन जाएगा, टू ब्यूटेना माइन। इसमें एक और एग्जांपल लेते हैं, एन एच टू सी एच टू होल ट्वाइस सिक्स एन एच टू, ये आपके नाइलॉन 66 का एक मोनोमर है, तो कितने मिथाइल ग्रुप है, सिक्स, तो क्या बन जाएगा, ये भी एन एच टू ये भी एन एच टू और ये सिक्स कार्बन है तो सिक्स कार्बन के लिए क्या लगेगा, हेक्सेन, और वन और सिक्स पर है तो हेक्सेन वन सिक्स डाई एमाइन, तो ये हो जाएगा हेक्सेन वन सिक्स डाई एमाइन। ऐसा ही एक और एग्जांपल, ये आपका एलाइलिक एमाइन है, तो नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग ये हो जाएगी। अब आप देखो वन पर क्या है, एन एच टू और थ्री है, तो आप क्या लिखोगे, थ्री कार्बन का चेन है तो थ्री कार्बन के चेन के लिए प्रोप,
डबल बॉन्ड कितने पर है? टू पर, तो टू इन, और या वन पर है तो क्या बन जाएगा? वन अमाइन। अगर इनको कॉम्बाइंड फॉर्म में लिखना चाहो तो टू इना माइन। इसी के साथ ये वन डिग्री अमाइन आपका कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे टू डिग्री अमाइन की। तो देखिएगा आप, टू डिग्री अमाइन आर एन एच और आर, ये आर सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। तो यहां से दो कंडीशन हो गई, आर एन एच आर और आर एन एच आर डेस, ये अनसिमेट्रिकल हो गया और ये सिमेट्रिकल हो गया। तो इसके अंदर तो हम कोई सा भी चेन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां तो डायरेक्ट हम लगा देंगे एन एल्काइल एल्केना, एन एल्काइल एल्केना माइन। लेकिन यहां दोनों में डिफरेंट है तो डिफरेंट चेन पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एन एल्काइल कौन सा स्मॉलेस्ट चेन आएगी और एल्केना माइन ये आपकी लार्जेस्ट चेन आएगी, ये ध्यान रखना है। जैसे एग्जांपल, पहले मैं सिमेट्रिकल का लेता हूं, तो ये सिमेट्रिकल है, इधर भी टू कार्बन इधर भी टू कार्बन, तो कोई से कोई चेन ले लो और किसी को भी आप सब्स्टिट्यूट रखिएगा तो क्या बनेगा? एन इथाइल और टू कार्बन के लिए इथेनामाइन। तो नेक्स्ट में देखिएगा, अब हम अनसिमेट्रिकल लेते हैं, तो ये पेरेंट चेन है, ये सब्स्टिट्यूट है, तो इसके लिए क्या लगेगा? एन मिथाइल और टू कार्बन का चेन है तो टू के लिए क्या लग जाएगा? इथेना माइन। ऐसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अब के बाद देखिएगा आप लोग, चेन ये रहेगा नंबरिंग वन टू और थ्री, तो इधर तो क्या लिखेंगे? एन मिथाइल और आपका ये मेन जो पंचर ग्रुप है वो टू कार्बन पर है, तो टू प्रोपे ना माइन। अब हम बात करते हैं थ्री डिग्री अमाइन की। नेक्स्ट आता है थ्री डिग्री अमाइन, ये थ्री डिग्री अमाइन है, यहां पर ये आर सेम भी हो सकता है डिफरेंट, मतलब किसी भी कंडीशन फॉर्म हो सकती है। अगर टू आर सेम है तो एन एन डाई एल्किल एल्केनामाइन, और डिफरेंट है तो एन एल्किल एन एल्किल अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल और एल्केनामाइन। याद रखना एल्केनामाइन जो हम यूज करेंगे वो लॉन्गेस्ट चेन के लिए यूज करेंगे। जैसे एक एग्जांपल, इसमें तुमने सभी एल्काइल ग्रुप सेम है तो ये दोनों को हम सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे, तो एन एन डाई मिथाइल और वन कार्बन के लिए क्या बनेगा? मिथेना माइन। ऐसे अब की बार हम इनको डिफरेंट कर लेते हैं, तो अब की बार तीनों डिफरेंट हो गए, तो ये पेरेंट चेन बनेगी और ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट है, तो अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट इसके लिए तो क्या लगेगा? एन इथाइल, इसके लिए क्या लगेगा? एन मिथाइल और प्रोपेना माइन, और वन पोजीशन पर है इसलिए यहां पर हम वन लगा देंगे। ऐसा इसमें एक और एग्जांपल, तो ये एन पे क्या है? इथाइल, एन पे मिथाइल, और अब की बात चेन ये होगी नंबरिंग यहां से वन टू थ्री कहीं से भी कर लो, बट अब की बात टू पोजीशन पर है तो इसलिए क्या बन जाएगा? टू प्रोपेना माइन। इसी के साथ ये आपके आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर जो है वो पार्ट कंप्लीट होता है। हमने सभी फंक्शनल ग्रुप को कंप्लीट कर लिया है, इसमें हमने एसिड डेरिवेट और अमाइन ग्रुप की बात की है।